आज हम बनाएंगे आम पापड़ की चटपटी चटनी। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लीजिए और उसको गरम कर लीजिए। तेल गरम हो जाने के बाद कलौंजी और सूखी मिर्च डाल दीजिए। कलौंजी भुन जाने के बाद इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिए। पानी गर्म हो जाने के बाद 1 कप चीनी डालेंगे। आप मीठा कम ज़्यादा आपके स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद आम पापड़ ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे खजूर, काजू और किशमिश। अब हम ऐड करेंगे हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से उबालना है जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे मेथी, कलौंजी, जीरा, सौंफ और सूखी मिर्च। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट हो जाने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को कूट लीजिए और इसका एक पाउडर बना लीजिए। कूटे हुए मसाले को चटनी में ऐड कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए। चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए। नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो इमली का रस भी डाल सकते हैं। लीजिए आम पापड़ की चटपटी चटनी रेडी। इसको बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और भी ऐसे मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।